साबूदाना स्टिक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 200 ग्राम साबूदाना ले लिया है। तो एक कढ़ाई में मैंने जो पहले से गर्म करके रखी है इसमें डाल के इसको हल्का सा हमें रोस्ट कर देना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। इसमें खुशबू आने तक हमें इसको रोस्ट करना है ताकि इसमें जो नमी हो वो निकल जाए। इनको बिल्कुल हमें नहीं रोस्ट करना है। फ्लेम को स्लो करके इसको 2 से 2.5 मिनट अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे और 1 मिनट के बाद गैस को हमें बंद कर देना है। और अब इसमें जितनी हीट है उसमें ही हमारे साबूदाना अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। और 2 से 2.5 मिनट रोस्ट करने के बाद यहाँ का गैस बंद करके साबूदाना हम नीचे उतार लेंगे। साबूदाना हमने थोड़ा सा ठंडा कर लिया है, इसको पीस लेंगे। थोड़ा सा कोर्सली रखा है, हल्का सा दरदरा रखा है, आप देख सकते हैं। ये कंसिस्टेंसी में हमें इसको पीसना है। अब 600 ग्राम आलू मैंने बॉईल कर लिया है, इसको हमने बारीक ग्रेट कर लेना है। और हमने इसको आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। इसमें 1 टेबलस्पून ये कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, चाहे तो आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं टेस्ट में। 1 टीस्पून हमने ये जीरा कूट लिया है, ये डालेंगे। 1 टेबलस्पून डालेंगे नमक, और भी स्वाद अनुसार आप ऐड कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम ये साबूदाना पाउडर मिक्स करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करें। फ्रेंड्स, बिल्कुल हमने रोटी की तरह एक सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। ऐसा डो हमें लगा लेना है। अब ढक के इसको 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। 20 मिनट के बाद ये मशीन हमने ले लिया है, इसमें अच्छे से मैंने ग्रीस कर लिया है, अच्छे से तेल लगा लिया है। और ये जो मोटा वाला रहता है सेंटर में जिसमें होल बड़ा रहता है, वो टाइट कर देंगे। और 20 मिनट इसका भी हो चुका है। और पूरा हमें इसको भर लेना है। और स्टार्ट करेंगे। ये 12 घंटा हमने धूप में इसको अच्छे से सुखा लिया है, एकदम ये क्रिस्पी और करारी हो चुकी है ये फिंगर हमारी। दोस्तों, अगर आप व्रत के लिए बनाए तो इसमें सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। खाने में बेहद क्रिस्पी और करारी, क्रंची मंची ये साबूदाना स्टिक। आप इसको डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हैं। खाने में बहुत ही मज़ेदार है,
आप एक बार ज़रूर बनाइए। आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब थोड़ा सा फ्राई करके भी देखते हैं। मीडियम टू स्लो फ्लेम पे हमें फ्राई कर लेना है। फ्राई होने में टाइम नहीं लगता है, इसको 30 से 35 सेकेंड में अच्छे से फ्राई हो जाएगी। इसको ज़्यादा लाल ना करें। ये थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर फ्राई हो जाएगा तो आपकी स्टिक जो है थोड़ी सी कड़वी हो जाएगी, तो तुरंत हल्का सा गोल्डन कलर आने पे इसको बाहर निकालें, ज़्यादा लाल ना करें इसको। एकदम क्रिस्पी करारी हमारी साबूदाना स्टिक बनके तैयार है दोस्तों।